नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब भी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ, फाइनल मैच जिसका इंतजार था वो टाइम आने वाला है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच। 19 नवंबर दोपहर 2 बजे से ये मैच खेला जाएगा और अहमदाबाद में ये मैच खेला जाएगा। देखिए, इस मैच के लिए फैंटेसी टीम बनाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार इंडियन टीम जीते, फैंटेसी में जाएंगे, जिस प्लेयर को नहीं लेंगे सोचेंगे यार कि ये आउट हो जाए। लेकिन फैंटेसी सभी लोग खेलते हैं, इसलिए वीडियो आपके सामने है, कैसे आपको टीम बनानी है, कैसे अहमदाबाद की वेन्यू होगी। देखिएगा दोस्तों, फाइनल मैच है, लास्ट के दोनों मैच में आपका अल्ट्रा क्लीन स्वीप करवाया है, तो आपका लाइक जरूर बनता है, लाइक सपोर्ट के बिना यार मज़ा नहीं आता। तो सारे लोग वीडियो को लाइक करना, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और इसके साथ साथ आपको एक फायदे की चीज़ बताऊँगा कि आपके लिए 2 करोड़ जीतना कितना ईजी हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। देखिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको फाइनल अपडेट मिलती है, फाइनल टीम मिलती है जिसके साथ मैं खेलता हूं, विनिंग स्क्रीनशॉट मिलते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। सबसे पहले वेन्यू को लेकर बात करते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा। यहां पर देखिएगा, 6 ब्लैक सोइल पिचेस एंड 5 रेड सोइल पिचेस। देखिए, बहुत सारी पिचेस है लेकिन ज्यादा यूज नहीं होता। यहाँ पे कभी कभी ऐसी पिचेस का यूज होता है जहां पे ब्लैक प्लस रेड दोनों सोइल का यूज होता है। देखिए, ये जो विकेट है ना, इसको आप हमेशा एवरेज लेके चलिए, ये एक एवरेज विकेट है। पेसर्स को मदद मिलती है, विकेट मिलती है, रन्स यहाँ पे बनते हैं, कम भी बनते हैं, ज्यादा भी बनते हैं। यहाँ पे स्पिनर्स को मदद है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना, जो बाउंड्रीज की डायमेंशंस है वो मुंबई और बैंगलोर की तरह नहीं है, दिल्ली की तरह नहीं है, धर्मशाला की तरह नहीं है। यहाँ की डायमेंशंस थोड़ी सी बड़ी है, तो हिटिंग उतना ईजी नहीं होता। तो अमंग द ग्राउंड यहाँ पे डबल सिंगल्स डबल्स यहाँ पे ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है ऐसे प्लेयर्स के लिए, लाइक विराट कोहली हो गया, स्मिथ हो गए या फिर लाबुशेन हो गए, वैसे प्लेयर के लिए ये बढ़िया विकेट हो सकता है। बाकी स्पिनर्स यहां पे गेम में रहेंगे। अब आपके फायदे की बात, दोस्तों जो मेगा कॉन्टेस्ट आप 49 रुपए में ज्वाइन करते हैं वो बस आप 1 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट मौका है आपके पास, माई 11 सर्कल फाइनल मैच है, बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलेंगे। जो आप 49 रुपए में लीग ज्वाइन करते हैं, आप केवल 1 रुपए में वो लीग ज्वाइन कर सकते हैं। और करोड़ आपको पता है यार किस तरीके से आपको मिल रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है माई 11 सर्कल का, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ लिंक है, वहां से डाउनलोड करोगे तब भी आप इस ऑफर का यूज कर पाओगे। अब देखिए फायदे, आपको 1 करोड़ का प्राइज मिल रहा है केवल 1 रुपए में, यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। इसके साथ साथ 1500 रुपए का आपको कैश बोनस मिल रहा है। अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से माई 11 सर्कल को डाउनलोड करोगे, 1500 रुपए का कैश बोनस मिलेगा और फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल को। यहां पे आप देखोगे कुछ 30 के करीब मैचेस खेले जा चुके, 15 बैटिंग फर्स्ट ने, 15 चेजिंग ने। स्कोरिंग पैटर्न देखोगे, हर टाइप की स्कोरिंग हुई है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक एवरेज विकेट है। 243 का एवरेज है बैटर प्लस पेसर्स प्लस, मुझे लगता है कि ये एक एवरेज विकेट है, बैलेंस्ड विकेट है। रिसेंट के मैचेस की बात करते हैं। लास्ट मैच 10 नवंबर 2023 को अफगानिस्तान ने 244 किया 10 विकेट पर, साउथ अफ्रीका चेज कर गया, पेसर्स को 7, स्पिनर्स को 7। यहां ऑस्ट्रेलिया ने 286 किया ऑन 10 विकेट, इंग्लैंड चेज नहीं कर पाया 14 विकेट पेसर्स को, 6 स्पिनर्स को। यहां पाकिस्तान 191 किए, इंडिया चेज कर गया पेसर्स को 9 स्पिनर्स को 4। यहां इंग्लैंड ने 282 किए, न्यूजीलैंड चेज कर गया पेसर्स को 5 स्पिनर्स को 5। ओवरऑल देखोगे 4 मैच खेले गए, चारों में भी 300 का स्कोर नहीं बना, 280, 290, 240 के करीब है यहाँ पे स्कोरिंग हुई है। वही चीज मैं आपको बोल रहा था, एक बैलेंस्ड विकेट के तौर पे आप इसको लेके जा सकते हो। विकेट्स देखोगे, यहाँ 15 विकेट्स गई,
यहां 20 विकेट गई, यहां 13, 13 क्यों गई, क्योंकि एक लो स्कोरिंग मैच था, सामने इंडिया खेल रहे थे और इंडिया चेस कर रहा था, या 10 विकेट। और ओवरऑल मुझे लगता है आप 13-14 विकेट लेके जा सकते हो कि यहां पे गिर सकती है। 57 में से 35 पेसर्स को, 22 विकेट स्पिनर्स को मिली। हेड टू हेड की बात करते हैं, यहाँ पे देखोगे आप टोटल 150 मैच है, 83 ऑस्ट्रेलिया ने, 57 इंडिया ने। लास्ट मैच यहाँ पे इंडिया 1/6 विकेट, ये इसी वर्ल्ड कप का मैच है। यहाँ पे आप देखोगे इंडिया ये वर्ल्ड कप का नहीं है, ये वर्ल्ड कप का मैच है। इंडिया 1/ यहाँ पे आप देखोगे 66 रन, ये वर्ल्ड कप का नहीं है, ये वर्ल्ड कप का मैच है। कॉमन प्लेयर्स में यहाँ डेविड वार्नर एवरेज थे 41, यहाँ स्मिथ एवरेज थे 46, लाबुशेन फ्लोप था, मिचेल स्टार्क 28+1, हेजलवुड को 3 विकेट, विराट कोहली यहाँ 85 थे, केएल राहुल 97 नॉट आउट, जडेजा को 3 विकेट, जसप्रीत कुलदीप को 2-2 विकेट, सिराज अश्विन को 1-1 विकेट। यहाँ डेविड वार्नर 56, लाबुशेन ने 72 किया, मिचेल मार्श ने 96 किया, स्टेवन स्मिथ 74, ग्लेन मैक्सवेल को 4 विकेट, रोहित शर्मा 81 था, श्रेयस अय्यर 48 था, विराट कोहली 56, जसप्रीत को 3, कुलदीप यादव को 2। यहाँ पे आप देखोगे जसप्रीत कुलदीप यादव दोनों में इनिंग्स में अच्छा किया, विराट कोहली ने दोनों में अच्छा किया, रोहित के बल्ले से निकला, डेविड वार्नर एवरेज रही, लाबुशेन के बैट से आए, मिचेल मार्श के बैट से आए, स्टेवन स्मिथ ने अच्छा किया, ग्लेन मैक्सवेल ने एज ए गेंदबाज अच्छा किया। ये इनके लास्ट के 2 मैच के स्टैट से देख सकते हो। पावर प्ले में क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट इनिंग्स में 2, सेकंड में 0, फर्स्ट में 2, सेकंड में 2, फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, फर्स्ट में 1, सेकंड में 1, यानी कि विकेट आपको जो 8 इनिंग्स मैंने आपको दिखाई है, 8ों के 8ों में केवल एक इनिंग्स ऐसी है जहां पे विकेट नहीं गई 10 ओवर में, बाकी हर इनिंग्स में आपको विकेट देखने को मिली है, जो कि आप देख सकते हैं कि विकेट जा सकती है। इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 में मुझे लगता है ये सेम प्लेइंग 11 हो सकती है, सेम। रोहित शर्मा अच्छा कर रहे हैं, शुभमन गिल अच्छा कर रहे हैं, विराट कोहली अच्छा कर रहे हैं, नंबर्स आप देख सकते हैं, श्रेयस अय्यर 100 लगा चुके हैं एक साथ 2 मैच में लगातार, लोकेश राहुल अच्छा कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव का उतना बल्ला नहीं चला, जडेजा अच्छा कर रहे हैं, मोहम्मद शामी लगातार अच्छा कर रहे हैं, कुलदीप यादव एवरेजन विकेट निकाली है, जसप्रीत बुमराह ने एवरेजन विकेट निकाली है, सिराज ने भी एवरेजन विकेट निकाली है। बेंच पे आप देखिए यहाँ पे अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है किसको लेके, हार्दिक पांड्या को लेके, बाकी कोई चेंज होना नहीं चाहिए। फुल स्टैट्स में रोहित शर्मा 44 मैच में 58 का एवरेज, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वेन्यू पे 6 में 51 का और 49 का एवरेज रहता है। शुभमन गिल का 6 मैच में 44 का एवरेज, हेड टू हेड में वेन्यू पे 1 में 16 है, ओवरऑल 42 में 60 का एवरेज है। देखिए यहाँ पे खेलना पसंद करते हैं, ये अहमदाबाद की विकेट, यहाँ पे हमेशा शुभमन गिल के बैट से रन्स निकले हैं। विराट कोहली 48 में 53 का एवरेज, हेड टू हेड वेन्यू पे 8 में 24 का, ओवरऑल 290 में 58 का एवरेज है। श्रेयस अय्यर 10 मैच में 30 का एवरेज, हेड टू हेड वेन्यू पे 2 में 133, ओवरऑल 56 में 49 का एवरेज। लोकेश राहुल 15 मैच में 56 का एवरेज, हेड टू हेड वेन्यू पे 2 में 68 का, ओवरऑल 70 में 50। सूर्य कुमार यादव 6 मैच में 26 का एवरेज, 3 डक्स भी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वेन्यू पे 3 में 52, ओवरऑल 35 में 27 का। अब किशन भाई लेना यहाँ पे किसको है, देखिए मुझे लगता है अगर आपको यहाँ पे किसी को भी ड्रॉप करना पड़े तो मैं उनमें नाम लूंगा विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का। यहाँ से आपको शायद इस मैच में, मैं तो यार यही चाहूंगा कि ना हो फ्लोप, इंडियन टीम जीते, लेकिन जो मुझे फैंटेसी के बिहाफ पे लग रहा है वो आपको बोल रहा हूँ, विराट कोहली श्रेयस अय्यर यहाँ से या तो दोनों या फिर दोनों में से एक के फ्लोप होने के चांसेस रहेंगे, तो आप रोहित शर्मा, शुभमन गिल, लोकेश राहुल, इन तीनों को डायरेक्ट लेके जा सकते हो। सूर्य कुमार यादव अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं गेम चेंजर, यानी कि डिफरेंशियल पिक आपके लिए बन सकती है सूर्य कुमार यादव। बाकी जडेजा को हमें लेना है, 43 मैच में 37 विकेट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वेन्यू पे 4 में 4, ओवरऑल 195 में 220। शामी 24 में 38 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 100 में 194। कुलदीप यादव 21 में 31 हेड टू हेड वेन्यू पे 2 में 4, ओवरऑल 99 में 166। जसप्रीत बुमराह 20 में 28 हेड टू हेड वेन्यू पे 1 में 2, ओवरऑल 87 में 146। सिराज 6 मैच में 7 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे 4 में 7, ओवरऑल 39 में 66। यहां पे रविंद्र जडेजा लेना है, कुलदीप यादव लेना है, ये 2 प्लेयर तो मुझे लगता है आपको लेना ही है। उसमें अगर आपको लेना है तो आप जसप्रीत बुमराह, शामी में से किसी एक को पिक कर सकते हो। शामी आप ले सकते हो बिकॉज लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं। बैंच से आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में, देखिए डेविड वार्नर बहुत अच्छा कर रहे हैं, ट्रेविस हेड लास्ट मैच में बहुत अच्छा किया, मिचेल मार्श का एवरेज जा रहा है, स्टेवन स्मिथ का एवरेज जा रहा है, लाबुशेन ठीक ठाक कर रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल एवरेज दिखे, जोस इंग्लिश ठीक ठाक है, पैट कमिंस ने अच्छा किया है, मिचेल स्टार्क ने अच्छा किया है, जोस हेजलवुड अच्छा कर रहे हैं, एडम जेम्पा लास्ट के मैच को निकाल दो तो बहुत अच्छा एडम जेम्पा ने भी किया है, ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है। यहाँ पे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ये डेथ में गेंदबाजी करने के लिए
आते हैं बेंच से। मार्कस स्टोइनिस, मुझे लगता है अगर ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बैटिंग करे तो शायद आपको मार्कस स्टोइनिस देखने को मिले, अदरवाइज कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। फुल स्टैट डेविड वार्नर 26 मैच में 50 कैवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे एक में 15 रन, ओवरऑल 169 में 45 का। अगर इंडियन टीम को जीतना है तो देखिए 8 मैच में 29 कैवरेज टीवीएस हेड का इंडिया के अगेंस्ट, वेन्यू पे 8 में 11, ओवरऑल 62 में 39। तो यहां पे विकेट निकालनी पड़ेगी मेरे भाई डेविड वार्नर और टीवीएस हेड, क्योंकि पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम यहां पे डिपेंड करती है। अगर ये खेल गए तो 350 क्रॉस होगा, अगर ये आउट हो गए तो 270-280 तक रोक सकते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम को। तो यहां पे टीवीएस हेड के उतने खास स्टैट्स है नहीं इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन इनको रोकना होगा। यहां से आप चाहो तो अगर चेस कर रही है ऑस्ट्रेलियन टीम तो आप इन दोनों को ड्रॉप कर सकते हो, अदरवाइज आप ट्रिवियस हीड को ड्रॉप करके जा सकते हो। मिचेल मार्श 11 मैच में 65 कैवरेज इंडिया के अगेंस्ट, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 87 में 36 का। थोड़ा सा स्पिन से दिक्कत होती है मिचेल मार्श को, जडेजा हो गए, कुलदीप यादव हो गए, इनसे दिक्कत हो सकती है, तो वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। स्टेवन स्मिथ 28 में 54 हेड टू हेड, वेन्यू पे 2 में 27, ओवरऑल 153 में 43। लबुशेन 13 में 35 का हेड टू हेड, वेन्यू पे 1 में 71, ओवरऑल 47 में 37 कैवरेज। ग्लेन मैक्सवेल 31 मैच में 34 कैवरेज इंडिया के अगेंस्ट, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 136 में 36 का। यहाँ पे मुझे लगता है मैं जाऊंगा डेविड वार्नर, स्टेवन स्मिथ, लबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, ये चार मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सेफ लग रहे हैं जिनके साथ मैं जा सकता हूँ। समझ गए चारों को। अब बात करते हैं जोस इंग्लिस की, मैं आपको ज्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं। 25 कैवरेज इंडिया के अगेंस्ट है, वेन्यू पे 1 में 3 है, ओवरऑल 16 में 90। पैट कमिंस 20 मैच में 26 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे 1 में 2, ओवरऑल 86 में 136 विकेट है। मिचेल स्टार्क 18 में 27 इंडिया के अगेंस्ट, वेन्यू पे 1 में 2, ओवरऑल 119 में 230। हेजलवुड 10 में 15 हेड टू हेड, वेन्यू पे 1 में 2, ओवरऑल 83 में 128। एडम जंपा 22 में 34 हेड टू हेड, वेन्यू पे 1 में 3, ओवरऑल 94 में 164। देखिए एडम जंपा को मैं लेके जाऊंगा यहां पे, अगर पैट कमिंस को मैं लेके जाऊंगा, मिचेल स्टार्क को लेके जाऊंगा। ड्रॉप करना चाहो तो आप जोस हेजलवुड को यहां से ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज पैट कमिंस और स्टार्क आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैट से कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपको 15 रन भी देते हैं तो यार आपको कम से कम 20 पॉइंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं एक विकेट के, तो मैं इन दोनों के साथ जाऊंगा। यहाँ पे एडम जंपा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, यहाँ पे जोस हेजलवुड एक प्लेयर है जो मुझे लगता है कि जिनको आप ड्रॉप कर सकते हो, अदरवाइज मुझे कोई लग नहीं रहा। बेंच पे आप देख सकते हैं सारे के स्टैट्स आपके सामने। प्लेयर्स पैनल की बात करते हैं, प्लेयर्स बैटल में रोहित शर्मा, पैट कमिंस ने 2 बार आउट किए, ठीक ठाक खेले। मार्कस ने 3 बार, मिचेल स्टार्क ने 3 बार आउट किया, एडम जंपा ने 4 बार, ग्लेन मैक्सवेल ने 1 बार, जोस हेजलवुड ने 1 बार, सबको ठीक ठाक खेले हैं। शुभमन गिल स्टार्क ने 2 बार किया है, 2 बार एडम जंपा ने। श्रेयस अय्यर, जोस हेजलवुड ने 2 बार आउट किया, एडम जंपा ने 2 बार आउट किया, सीन एबट ने 1 बार, ग्लेन मैक्सवेल ने 1 बार। विराट कोहली, पैट कमिंस ने 1 बार आउट किया, मार्कस स्टोइनिस को अच्छा खेले 2 बार किया, स्टार्क को अच्छा खेले 1 बार आउट किया, जोस हेजलवुड को 5, जोस हेजलवुड ने 5 बार आउट किया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा विराट कोहली के लिए। एडम जंपा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, 5 टाइम्स विकेट है। ग्लेन मैक्सवेल 2, लोकेश राहुल स्टार्क ने 1 बार, 4 बार एडम जंपा ने। एडम जंपा के सामने स्ट्रगल है लोकेश राहुल का। ग्लेन मैक्सवेल के सामने 1 बार, सूर्य कुमार को 2 बार आउट किया मिचेल स्टार्क ने, डक आउट है। उसके अलावा अगर आप देखोगे डेविड वार्नर, शामी ने 3 बार आउट किया, रविंद्र जडेजा ने 2 बार किया, रविचंद्रन अश्विन ने 1 बार, हार्दिक पांड्या 1 बार, 3 बार कुलदीप यादव। कुलदीप यादव के सामने थोड़ा सा डेविड वार्नर का स्ट्रगल है। मिचेल मार्श, रविंद्र जडेजा ने 1 बार, मोहम्मद शामी ने 1 बार, उसके अलावा आप देखोगे कुलदीप ने 1 बार। मानस लबुशेन, कुलदीप यादव ने 2 बार आउट किया, जसप्रीत ने 2 बार, जडेजा ने 3 बार, रविचंद्रन अश्विन ने 2 बार। स्टेवन स्मिथ, बुमराह ने 1 बार आउट किया, अच्छा खेले। शामी ने 4 बार आउट किया, सिराज ने 1 बार, जडेजा ने 2 बार, उसके अलावा कुलदीप ने 2 बार। ट्रिवियस हिट, मोहम्मद सिराज ने 1 बार, 1 बार बुमराह ने। ग्लेन मैक्सवेल को बुमराह ने 2 बार आउट किया, शामी ने 3 बार आउट किया है, उसके अलावा देखोगे जडेजा ने 2 बार किया, रविचंद्रन अश्विन ने 3 बार आउट किया और कुलदीप यादव ने 3 बार आउट किया। लेकिन स्ट्राइक रेट सबके सामने ग्लेन मैक्सवेल का सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टीम की तरफ चलते हैं, देखिए टीम मैंने कैसी बनाई है। मैंने केएल राहुल को रखा, यहाँ विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, डेविड वार्नर है, ग्लेन शुभमन गिल कैप्टन, स्टेवन स्मिथ हो गए, जडेजा हो गए, ग्लेन मैक्सवेल एज ए वाइस कैप्टन, मोहम्मद शामी हो गए, जंपा हो गए, कुलदीप यादव हो गए। यहाँ पे आप मुझे लगता है आपके पास फिर विराट कोहली को आप ड्रॉप करके पैट कमिंस की तरफ जा सकते हैं। स्टार्क नहीं तो कम से कम पैट कमिंस आपके पास होना चाहिए। लबुशेन भी एक बढ़िया प्लेयर है, लेकिन सारों को लेकर नहीं जा सकते। यहां से अगर आपको किसी को ड्रॉप करना पड़े तो एक प्लेयर है जिसको आप ड्रॉप कर सकते हैं और उसका नाम है केवल विराट कोहली, अदरवाइज सेम टीम शायद आपको मिल जाएगी। बाकी जाइए, 1 रुपए में आप मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन
ज्वाइन कर सकते हैं 49 रुपए वाला, उसका जाके फायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है माई 11 सर्कल का, कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाइए जल्दी से डाउनलोड कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।